गाइस पहुंच गए हम पठानकोट रेलवे स्टेशन पे। भाई ये देखो भाई, टिकट तो हमने बुक करवा ली है। और गाइस शिल्पा का अपडेट आपको बताऊं तो पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने वीडियो कॉल की थी, आंटी से बात हुई, शिल्पा के साथ बात हुई और मतलब सब कुछ वैसा ही है। अभी आंटी को और भी दिन वहां पे ठहरना पड़ेगा, अभी काफी टाइम है। तो शिल्पा का गाइस अपडेट यही रहा, अपडेट बीच बीच में मैं देता रहूंगा और शिल्पा को कॉल भी करता रहूंगा। बाकी गाइस अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और अपना प्यार बनाते रहना ऐसे ही जैसे बनाते। जय श्री राम सभी को, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस टाइटल थंबनेल आपने पढ़ लिया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में मैं अयोध्या जा रहा हूँ। क्या मैं सच में अयोध्या जा रहा हूँ? फर्स्टली गाइस मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ, तो मेरी इस जर्नी में आपने पूरा कंटिन्यू बने रहना है और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्स्टली टारगेट है बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड से कोई बस लेनी है एंड देन जो भी प्रोसेस रहेगा आपको बताऊंगा। बट मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा अभी तक भी मैं सच में जा रहा हूँ, क्योंकि सडनली प्लान बना यात्रा कर रहा हूँ ये पवित्र जो भी है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आपको पता कि 22 जैन को क्या होने वाला है, तो जो भी है गाइस खूबसूरत है, सब कुछ प्यारा है, तो बने रहिए, देखते हैं नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप जो भी है आपसे शेयर करेंगे। गाइस चंबा के बस स्टैंड पे आ चुका हूँ और फर्स्टली बस पे चढ़ा हूँ, पठानकोट वाली गाइस मैंने बस ली है, देन मेरा नेक्स्ट क्या रहेगा वो आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल पठानकोट वाली बस पे चढ़ चुका हूँ क्योंकि पठानकोट तक जाने वाली है, देन नेक्स्ट बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। और ये पठानकोट वाली जर्नी में भी आप बने रहिए, आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। और फिलहाल अभी 3 बज रहे पूरे पूरे और थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लेके कुरकुरे वगैरह लेके गाइस सफर पे ना खाने पीने का मन बहुत करता है और अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे 2 समोसे खाऊंगा। फाइनली गाइस 5:30 बजे भाई पठानकोट की एंट्री हो चुकी है, अभी बस से मैं उतर चुका हूँ और गाइस यहाँ पे ना कोहरा ही कोहरा है और आगे का सफर मुझे पता काफी लंबा है। और ये है हाईवे, यहाँ पे देख सकते हो और सामने बिल्कुल गाइस रेलवे स्टेशन है। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज मैं जा पाऊंगा पठानकोट से आगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पता करते हैं कि क्या कैसे किस तरह से मतलब ट्रेन जाती है, क्या क्या टाइमिंग रहती है, वो चीज़ें थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। पूरे के पूरे सफर में ना बातचीत नहीं हो पाई, गपशप नहीं मार पाया, मतलब आपको पता कि गाइस सफर में ना हालत थोड़ी टाइट सी हो जाती है। और फिलहाल पठानकोट की एंट्री हो चुकी है, अभी सामने बिल्कुल रेलवे स्टेशन है, तो पता करते हैं कि क्या भाई कैसे क्या सिस्टम रहता है यहाँ का। बाकी गाइस आपने बने रहना यार, श्री राम प्रभु का नाम लेते लेते हम चल देंगे। और गाइस एक और बात, यहाँ पे एक गाना मेंशन कर रहा हूँ, एक भजन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो गाइस आपने सुनना है, मेरे फ्रेंड ने गाया हुआ है, तो वो भजन आपने सुनना है और अपनी यात्रा जो है कंटिन्यू करनी है। गाइस इस यात्रा में पूरी की पूरी यात्रा में गाइस आपने बने रहना है। और फिलहाल ये है गाइस सामने का आसपास का माहौल, ये देखिए ये है रेल की पटरी और ये देखिए गाइस यात्रीगण किस तरह से चले हैं बेचारे। ठंड बहुत है यार, ठंड इतनी है गाइस कि जिसका कोई हिसाब नहीं, गाइस कोहरा ही कोहरा है। और ये जो पवित्र यात्रा है और आज मतलब पहली बार तो क्या मतलब गाइस इस पूरी यात्रा को अकेला कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस गाइस न्यू एक्सपीरियंसेस मिलने वाले, नए नए लोगों से मुलाकात होने वाली है। रेलवे स्टेशन के पास मैं पहुँच चुका हूँ और मुझे लगता है ये टिकट काउंटर होगा ये ऊपर, और बाकी गाइस आसपास का माहौल कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे ना भाई चमगादड़ों की चिड़िया है भाई, ये तो चिड़िया है, इतनी सारी चिड़िया है गाइस, आवाज़ सुनो। तो गाइस पहुंच गए हम पठानकोट रेलवे स्टेशन पे। भाई ठंड जो है ना कोहरा ही कोहरा है, और ठंड जो लग रही है वो नेक्स्ट लेवल है। और अभी यहाँ पे थोड़ा पता करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई साहब। वहाँ पे 6 बज रहे और अभी यहाँ रेलवे स्टेशन के काउंटर पे जब मैंने टिकट्स वगैरह के लिए पूछा तो यहाँ पे ना डायरेक्ट अयोध्या वाली नहीं जाती आजकल, बोला नहीं तो एक जाती थी आजकल पता नहीं क्यों नहीं जाती, और एक लखनऊ वाला इन्होंने बताया रूट, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली वाला है भाई, कल शाम को मुझे पहुँचाएगा वो, और सुपर फास्ट नहीं है मतलब, तो मतलब जल्दी नहीं होगा कुछ भी। अभी चलूँगा तो कल शाम को पहुँचूँगा भाई साहब, इतना लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ट्रेन पे ट्रैवल करना पड़ेगा। बाकी चलो आसपास का मौलिक कोहरा ही कोहरा है यहाँ पे। और जो जर्नी हमारी शुरू होने वाली वो पठानकोट रेलवे स्टेशन से ही शुरू होने वाली, क्योंकि कहीं घर से मैं आया चंबा से आया, चंबा से मैंने स्टार्टिंग की इस यात्रा की, जो प्यारी सी यात्रा है। और कहीं आपको पता है कि 22 जनवरी को क्या है अयोध्या में, कहीं इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि जो भी रहने वाला है आपको दिखाने वाला हूँ। और कहीं आपने ना पूरी इस यात्रा में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, फॉलो करना है और वीडियो को शेयर करना है। भाई
अभी कंफ्यूज सा हूँ, दिल्ली के लिए ट्रेन लूँ या फिर अयोध्या तो जाएगी नहीं, लखनऊ के लिए लूँ, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अब देखते हैं क्या बनता है, जो सही कंफर्ट जोन जो रहेगा वही हम करेंगे। बाकी ये देखो भाई, टिकट तो हमने बुक करवा ली है, यहाँ से गई दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाई है। अब देखना ये है कि वैसे कितने बजे आती है ट्रेन। गई आने वाली है 8 से 8:30 बजे, तो दिल्ली के लिए गई हमने बुक करवा ली है। गई मात्र यहाँ से 170 रुपये किराया लगा है, बाकी ट्रेन जब आती है तब आपको दिखाते हैं जो भी मोमेंट्स बनते हैं। बाकी देखते हो फेसबुक पे, ये देखो पठानकोट रेलवे स्टेशन पे हमारे सब्सक्राइबर लोग मिल गए। भाई क्या बोलना चाहोगे? भाई ये बोलना चाहते हैं कि भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। श्री कहाँ जाने वाले? अभी हम बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं, मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन? अमरनाथ। हम जाएंगे अमरनाथ। कितने बजे निकलेगी? यहाँ से 12 बजे। 12 बजे रात के 12 बजे? कोई पक्का गारंटी नहीं है, अभी कलियर भी हो सकता है। दिल्ली के लिए ले लेंगे बिहार, वहाँ से हमें डायरेक्ट जाना पड़ता है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है भाई गाइस, ठीक है ठीक है, ओके ओके भाई। भाई गाइस बने रहिए, अपनी जर्नी कैसी रहती है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब थोड़ा खाने पीने का सामान बैग में रखते हैं। गाइस ब्लॉग का भी एंड इसी स्टेशन पे करूंगा, और जो भी हमारे राम भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, और गाइस जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में विराजमान होने वाले हैं, अपनी अयोध्या नगरी में। गाइस इसी के स्वागत में गाइस समस्त हमारा देश कितना खुशी में है, तो सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएँ। और गाइस वीडियो को आपने शेयर करने, और सारी की सारी गाइस जर्नी दिखाऊंगा, पूरी यात्रा आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करना है। जाकि जो लोग नहीं आ पाएंगे उस दिन, वहाँ पे अपने घरों में ही का पूजा पाठ रहता है, जो भी हमारे जो भी सेलिब्रेशन रहेगा गाइस प्रभु श्री राम जी के लिए इस स्वागत में, तो आप वो अपने अपने घरों पे करें। बाकी गाइस मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा। और फर्स्टली गाइस आपको बता दूं कि सुबह से वैसे तो मैंने टिक के कुछ खाना वगैरह खाया नहीं है, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट लेता रहा, और मतलब बोलने का मतलब है कि अभी नाइट के सफ़र के लिए मुझे ढेर सारी चीज़ें जो ना बैग में रखनी पड़ेंगी, ताकि रात में काम आए, क्योंकि गाइस भूख लगती है यार, पेट है, पेट के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। बाकी गाइस आपने बने रहना, यहाँ पे थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेते हैं रात के सफ़र के लिए ना, अपना बैग फुल करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या बनता है। उधर वाली चीज़ें खा के ना पेट नहीं भरता, तो खाना ही पड़ेगा। गाइस खाना वाना हो गया, अभी वेट करने बस ट्रेन का, ट्रेन आने वाली है, और थोड़ा बहुत जो ना पैकिंग कर ली है, मतलब खाने पीने के लिए। वैसे खाना जरूरी था गाइस, रात का सफ़र है, नाइट सफ़र है, इतनी ठंड रहती है फिर आपको पता है, और वो बातें होती है। गाइस बने रहिए, आगे का सफ़र जो भी रहता है आपको दिखाने वाले हैं। गाइस इस वीडियो का एंड इसी स्टेशन पे करता हूँ, और हमारी जो आगे की जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है पठानकोट स्टेशन से ही रहने वाली है। बाकी गाइस आपने वीडियो को शेयर करना है, और घर बैठे इस पूरी यात्रा का आनंद लेना है। बाकी गाइस वीडियो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बाकी गाइस मेरी भी जर्नी अच्छी रहे उसके लिए दुआ जरूर करना, प्रार्थना जरूर करना। बाकी गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।